everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good and let's start this video without further any delay. तो यार देखो, अभी इस स्टडी ब्लॉक की शुरुआत मैं कर रही हूँ 4:21 PM से. तो मान लो 4:20 PM, मैं तुम्हें बैक कैमरा करके दिखाती हूँ. तो ये देखो 4:21 PM हो रहे हैं. तो तुमने टाइम देख लिया होगा. और यार अब बहुत लेट हो गई है वैसे ही, तो बहुत पहले से लेट हो गया है. तो अब बैठते हैं पढ़ने के लिए. पूरा एंड तक देखना और बताना वीडियो कैसी लगी. और नए हो चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल अगर अभी तक नहीं करा है. और ये वीडियो पसंद आती है, पूरे वीडियो देखो पसंद आएगी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर योर लवंस और कमेंट करते रहा करो. ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे ही अब बज गए हैं 4:22. और मैंने फिर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह से नहीं पढ़ा, मैंने सुबह से पढ़ा. और मैंने मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करे, जैसे मैंने फेडरलिज्म वाले चैप्टर के करे थे और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर्स के करे थे, बट अब ऐसी ही ज्योग्राफी के भी. तो इसलिए मैंने बहुत पढ़ा आज सुबह से, बट आई वॉज नॉट इन मूड टू शूट द वीडियो. तो इसलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ. अब मेरे को लगा यार तुम इतना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, तो लेट्स शूट दिस वीडियो. और अब देखते हैं मैं रात तक कितने बजे तक पढ़ पाती हूँ कंटिन्यूस स्टडी. सो लेट्स स्टार्ट दिस. तो बैठ गई थी यार मैं, और मैंने बहुत बार बोला है कि मैं, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हमेशा अब चैप्टर ही पढूं. अब वन डे इज़ लेफ्ट ओनली फॉर माय एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम. तो इसलिए मैं अभी कर रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. फेडरलिज्म के मैंने कर लिए हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के भी मैंने लिख लिए हैं, एंड नाउ इट्स टर्न फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. तो देखो यार, याले चैप्टर में से अच्छा खासा हमारा वेटेज आ रहा है. 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 MCQs. ठीक है, तो बहुत अच्छे खासे नंबर का आ रहा है इस चैप्टर से. तो सबसे पहले मेरे को लगा एक वन शॉट वीडियो देख ली जाए, क्योंकि यार कहीं ना कहीं होता है मन में कि यार हमें और अच्छे से पढ़ना चाहिए था ये चैप्टर. तो मैंने पहले शुभम पाठक मैम की ये वाली वीडियो देखी, वन शॉट ऑफ 30 मिनट्स. फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे ऑफ डिफरेंट मेंटर्स, और जो ठीक लगे उन्हें लिखे. और फिर यहाँ पर मम्मी तक तक पेस्ट्री ले आई थी. सो ही एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई एम बैक. और मैं आप तुम्हें बताऊंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा पेस्ट्री खाते खाते, ऑब्वियसली. तो सबसे पहले तो यार मैंने करा वो ज़्यादातर क्वेश्चन सारे टीचर्स ने लिया, सारे मेंटर्स ने लिया यूट्यूब में. मैं वो क्वेश्चन अपने, मान लो तुम जो मैं लिख रही हूँ उसमें एड ऑन कर ले रही हूँ. अब पता क्या है, अपने आप को मैं टारगेट दे रही हूँ कि लाइक मेरे ना सारे चैप्टर्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली शीट बन जानी चाहिए. आज मैं कर पाऊँगी ये सारे चैप्टर्स या नहीं, अब मैं थोड़ी देर छत में जाऊँगी या थोड़ा सा रेस्ट मान लो. मैंने फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखने का. तुम अगर अभी तुम्हारे एसएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो तुम एक टिप ले लो. अगर तुम्हें लगता है बहुत कम टाइम है तुम्हारे एसएससी के एग्ज़ाम में, या बहुत कम गैप दे रखा है स्कूल वालों ने, तो ऑब्वियसली तुम भी चाहोगे कि यार काश हम ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें या ऐसे क्वेश्चंस हमें मिल जाएं जो अगर हम एग्ज़ाम में जाएं तो मिलते जुलते क्वेश्चंस हम देखें और आंसर कर पाएं और अच्छा स्कोर करें. तो यार देखो, आई विल सजेस्ट, अब तुम्हारे पास कम टाइम है तो मेरी जो टिप है इस मामले में वो ये है कि तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो. अब कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हें क्या पता, हाँ तो मैं बताती हूँ. तुम अगर यूट्यूब में सर्च करोगे ना, आजकल बहुत सब चीज़ें मिल जाती हैं. ठीक है, यूट्यूब पे जस्ट सर्च करो, इतने सारे मेंटर्स, जाने माने मेंटर्स, ग्राज सर ने ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली है, तुम्हारी शुभम पाठक मैम ने, ऐसे बहुत सारे मेंटर्स हैं. ठीक है, तो इसलिए तुम उनके वीडियोज़ देखो. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ एक वीडियो लेके बैठ जाओ और फिर उसी वीडियो में से सारे क्वेश्चन करो, दैट्स नॉट द सोल्यूशन. तुम्हें थोड़ी थोड़ी हर वीडियो देखनी पड़ेगी, और तुम्हें जो क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहा है ना सबके वीडियो में, वो वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी में डाल लो. आई नो दैट दिस इज़ टाइम टेकिंग, बट येस, इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर वेल यू हैव टू डू दिस. तो अगर अब तुम्हें फॉलो करना है तो कर सकते हो. सो आई एम बैक आफ्टर स्टडिंग 2 आवर्स गाइज. यार लिटरली मैं इतना थक गई हूँ ना, बट अभी रेस्ट लूँगी मैं, ऐसा नहीं है. अब अभी हो रहे हैं 8:05, लेट मी शो यू द टाइमिंग्स. इट्स 8:05 PM, बैक कैमरा करके भी दिखा देती हूँ. तो थोड़ा लेट हो गया टाइम दिखाने में, अब 8:06 हो गए हैं.
तो जैसे मैंने आपको टाइम दिखाया कि 8:06 हो रहे हैं, तो यार अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा। चैप्टर्स जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जिनके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जिनसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जिनसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं उन्हीं चैप्टर के ज़्यादा बनाऊँ। तो मेरे को एक दिन में पूरा अच्छे से रिवाइज लर्न अच्छे से करके जाना है, तो लेट्स सी क्या होता है। पर यार अभी मैं बहुत थक गई हूँ, तो अभी यार मैं खाना खाने जाऊँगी, डिनर करूँगी, थोड़ा बातचीत करूँगी फैमिली के साथ। सो लेट्स गो। तो यार मेरे कुछ क्वेश्चंस राइज ऑफ नेशनलिज्म के भी बचे थे, बट अभी मेरा मन नहीं कर रहा था, तो आई चूज ज्योग्राफी, और मैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने लग गई थी। पर मेरे को फिर थोड़ी देर में याद आता है यार मैप्स भी तो बचे हैं ज्योग्राफी के, तो फिर मैं चली गई थी प्रिंट आउट निकालने के लिए, और हियर इट इज़। मैंने बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकाले थे, और फिर मैं बैठ गई थी कि मैप को लोकेट करने के लिए, और ऐसा नहीं है मैं पहली बार में ही कर ली। और पता है मैं ना, मेरे से गलती हो गई थी, मेरे को ना प्लेन मैप निकालना था, और मैंने ये लाइंड वाला निकाल दिया, पता नहीं क्या ही करा था, मैंने देखा भी नहीं पहले प्रिंट आउट निकालने से पहले। सो लेट इट बी, अब मैं दूसरा मैप निकालूंगी या मंगवा लूंगी, इतना टाइम कौन ही खर्च करेगा बार बार निकालने में प्रिंट आउट। तो दैट्स इट। अभी यार अब पता है एक दिक्कत हो गई थी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से कोई मैप ही नहीं है, ना कोई CBSE ने निकाला है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई मैप है। तो आई वाज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कि क्या होगा इस चैप्टर में मैप, और लिखा भी है कि मैप आएगा इस चैप्टर से, तो अब देखते हैं क्या होने वाला है एग्ज़ाम में। प्लस अब मैंने सब चीज़ कर लिया था, प्लस एक घंटा भी पढ़ लिया था, सो दैट्स इट। तब से पानी नहीं पिया था, पानी पिया, टेबल साफ़ करी, और फिर मैं उठ गई थी पढ़ने से। तो यार चलो अब हो तो गया मेरा सोने का टाइम, बट मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने क्या किया। देखो यार मैंने ना पहले 30 मिनट्स ही पढ़ा, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रही थी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के, जो बचे थे, नहीं तो बाकी मेरे पूरे हो गए हैं। और फिर उसके बाद मेरे को यार याद आया मैप वर्क भी तो बचता है, और ज्योग्राफी के 3 चैप्टर आ रहे हैं, तीनों में से मैप वर्क आ रहा है। तो फिर मैंने मैप का प्रिंट आउट निकाला, और फिर उसके बाद आई प्रैक्टिस्ड देम, और लाइक लिटरली मेरे को उस समय पता चला कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्स वाले में तो कोई मैप ही नहीं है बुक में, इवन तो सर ने लाइक नोटबुक में भी नहीं करवा रखा है। तो इसलिए आई वाज लाइक लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज कि इसमें कौन सा मैप प्रिपेयर करना है। अभी मैंने पूछा अपने फ्रेंड से, देखते हैं कूल रिप्लाई। एंड अभी तो यार एज सच जो फिर मेरे को नेट में मिला कि लाइक अनक्लास्ड फॉरेस्ट, क्लास फॉरेस्ट वाला मैप, तो वो मैंने प्रिपेयर कर लिया। अब देखते हैं भाई आता है या नहीं आता है, और बाकी अगर कुछ होगा तो मैंने पूछा है, देखते हैं कि क्या बताएंगे मेरे फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद मैंने वाटर रिसोर्सेज का भी प्रिपेयर करा है। और अपना बताया एक दिक्कत है, सिलेबस में लिखा है कि लाइक मेजर एरियाज वेयर व्हीट एंड राइस आर प्रोड्यूस्ड, ये वाला मैप भी प्रिपेयर करना, तो ये एग्रीकल्चर चैप्टर से आता है, बट हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर आ नहीं रहा है। ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ मैं ये मैप वाले उसमें कि लाइक क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं, क्योंकि यार है वेटेज मैप की, और फिर ऐसी बोर्ड्स में भी आते हैं, फिर बोर्ड्स में तो हर चीज़ मतलब लाइक पता होती है क्या क्या किस चैप्टर से कैसा आना है। बट मैंने फिर CBSE के सर्कुलर में भी देखा कि लाइक उसमें ना ये वाले चैप्टर से मैप ही नहीं है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वाले से, तो अब देखते हैं क्या होता है। और वैसे तो मैंने जो मेरे को ठीक लगा अपने उससे वो मैंने प्रिपेयर कर लिया है। और फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, डिनर करा, और डिनर में आज कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल था इसलिए मैंने तो मैं दिखाने की सोची, तो देख लेना बहुत प्यारा लगा मेरे को, तो पनीर और लच्छा पराठा। और फिर उसके बाद अब यार अब आ गया है टाइम सोने का, और अब एक दिन बचा है ना, फिर मेरा पेपर है 23 को, तो आज तो है 21, तो 22 एक दिन बचेगा मेरे पास। तो अब मैंने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं मैं वो करूँगी, उन्हें उस समय लर्न रिवाइज जो भी तो मान लो वो करूँगी। और फिर दैट्स इट, दिस वॉज द एंड ऑफ व्लॉग, आई होप यू ऑल गाइज लाइक इट, एंड प्लीज शेयर टू योर लव वंस, कमेंट करते रहा करो, और पसंद आया इस व्लॉग को तो खूब सारा प्यार दो, लाइक करो, एंड दैट्स इट, दिस वॉज द एंड ऑफ व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।